और बस एक प्रॉब्लम हो गई कि ये थोड़ी सी बड़ी आ गई है, तो अब इसको जुगाड़ से हमें लगाना पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने अभी इन्हें फूड दिया है, तो ये कितने अच्छे तरीके से फीड ले रहे हैं। तो अभी इनका स्ट्रेस फ्री हो गई है, ठीक है ऑलमोस्ट। और हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख रहे हैं साधु का व्लॉग। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेरे सिकलेट टैंक के ऊपर। तो मैं आपको सिकलेट टैंक का सेटअप दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे करने वाला हूँ। डेकोरेशन तो आप देख ही रहे हैं। तो ये लाइट है किसी और टैंक की, बड़े वाले की, जो कि शिफ्ट हो चुका है। तो इसके लिए हम और एसेसरीज लाएंगे, आज परचेज़ करेंगे। कहाँ से हम परचेज़ करते हैं सब मैं बताऊँगा, क्या क्या हम इसमें लगाएंगे, कौन सी लाइट लगाएंगे और कौन सा एयर पंप लगाएंगे, कौन सा फिल्ट्रेशन करेंगे, सब सारा सिस्टम, और कौन कौन से फिश हम, और वैसे तो हम सिकलेट लाने ही वाले हैं लेकिन सिकलेट के साथ साथ और भी चीज़ें लाएंगे। तो बाकी यहाँ पे हमारा एक बड़ा वाला टैंक भी था जो कि था यहाँ पे, हाँ, और यहाँ से हमने उसे शिफ्ट कर दिया है। तो अब वो चुका शिफ्ट, तो इसे देखिए ज़रा। एल्विन भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विन भाई तो जल्दी से चलते हैं सारा सामान इकट्ठा करने फिश शॉप पे। और हम आ गए थे अनमोल एक्वेरियम होम। तो जैसा कि आप जानते होंगे, मेरे वीडियो पे आप इसको देख ही चुके होंगे, कई बार मैंने इनकी वीडियो डाली है और हर बार जब भी स्टॉक अपडेट होता है मैं डालता ही डालता हूँ इनकी वीडियो। तो आप उन्हें भी चेकआउट कर लेना ज़रूर से, आपको फ़िश की बहुत सारी वैरायटी दिख जाएगी। ये इनका प्लांटेड टैंक है, ये इन्होंने नया सेटअप करा है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली, तो मैंने इसे सोचा कि आपको दिखाऊँ। और ये जो प्लांट है ना, इसमें बड़े बड़े और ये छोटे छोटे जो भी गप्पी ग्रास वगैरह, ये सारे सेल के लिए है, तो आप इनसे परचेज़ कर सकते हैं बड़े ही आराम से। ये काफ़ी सारे इन पर बड़े बड़े प्लांट भी है। तो जैसे ही हम अंदर घुसते हैं और देखते हैं, यहाँ पे पैकिंग चल रही थी मछलियों की और नया स्टॉक भी आ चुका था मछलियों का, और ये देखिए टैंक भी बन रहे थे यहाँ पे। तो जल्दी से फटाफट मैंने ढूंढा अपने मतलब का सामान जो कि था सिकलेट, और मुझे लेना था सिकलेट। तो अभी हम सर्च करने लगे सिकलेट, बट उससे पहले हमें काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटी की फ़िश दिखी जो कि थी काफ़ी मस्त मस्त। एक तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो है ये ऑस्कर, और ये हमारी सिकलेट, और देखिए कितने अच्छे कलर हैं इनके। ये बड़ी वाली सिकलेट है, और इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो है छोटा वाला। ये है छोटा वाला, ये 70 रुपये का पेयर है, और वो बड़ा वाला शायद 80 का था, शायद 80 कुछ का था। लेकिन उससे पहले देखिए आप ये पफर फिश, ये हेलीकॉप्टर वाली फ़िश मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। पर आपको कैसे लगती है फ़िश कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जल्दी से उठ गया और फ़िश ला दिलाते, काफ़ी रात हो गई थी तो मैं उनका सेटअप नहीं कर पाया। बट नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जल्दी से सुबह उठा और जल्दी से ब्रश वगैरह करा और मैं तैयार हो गया अपनी फ़िश को रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि यार पूरी रात से वो एयर पंप के सहारे एक बाल्टी में थी, तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था पर्सनली। तो काफ़ी छोटी सी जगह थी और फ़िश भी थी, तो मैं जल्दी से जल्दी इनका सेटअप करने वाला था और इनको रिलीज़ करने वाला था, इनको बड़ी एक जगह देने वाला था। तो गाइस हम फिर से आ गए, ये डे टू है, और कल मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इसका सेटअप कर दिया था, कैसे मैंने कर रहा था, ये सब चीज़ें लगाई थी सिकलेट टैंक के लिए, अपने सिकलेट टैंक के लिए सेटअप पूरा ओके करके गया था। बस हमारा इसमें फ़िल्टर नहीं था और हमारी लाइट नहीं थी, ये तो हमारे 3 फिट टैंक वाले की लाइट है जो कि मैंने बस ऐसी जुगाड़ से आपको दिखाने के लिए लगा दी थी। बट आज हम इसके लिए इसकी एक लाइट जो है ये हम ले आए हैं, ठीक है, और ये पूरी RGB लाइट है, ठीक है, तो बहुत अच्छी लाइट है ये, मैंने चेक करा था, इसका थ्रो बहुत अच्छा है। और हम जो लाए हैं आज इसका ये पंप भी ले आए हैं, फिल्टर जो है इसका, तो इसका प्राइस देखिए आपको 365। तो ये सब अनमोल एक्वेरियम होम से लाए थे, और हम इसके लिए जो फिशेज हम इसमें ऐड करेंगे वो भी मैं लेके आ गया हूँ अनमोल एक्वेरियम होम से। मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि कल मैं वहाँ गया था, रात हो गई थी तो मैं आते आते काफ़ी लेट हो गया, तो आज मैं इसको दोबारा शूट कर रहा हूँ उस व्लॉग को। तो सिकलेट टैंक का जो भी सेटअप है वो मैं आपको बारी बारी से दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, और इसमें हम भी वाटर वगैरह ऐड करेंगे और जब भी फ़िल्टर वगैरह लाइट वगैरह सेटअप करेंगे, उसके बाद मैं दिखाता हूँ मैं कौन सी फ़िश लाया था कल और मैं
क्या क्या उसमें और भी कुछ लेके आया हूँ वैरायटी सिकलेट्स के अलावा भी, तो आप वीडियो में बने रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये पूरा टैंक सेटअप होता है। ठीक है गाइस, जो पहला स्टेप है वो स्टेप है कि हमें इस लाइट को सेटअप करना है पहले। ठीक है, इसमें दो ये दिए गए हैं इस पर चिपकू, और हम अंदर देखते हैं इसके, अगर टॉप में लगता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको इसी के मदद से लगाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं और लगाते हैं। इसको पहले हटा देते हैं हम, वो बंद भी हो गई, बढ़िया है। ओके, इसको रखते हैं हम यहाँ पे। बस अभी ये कुछ ऐसा लग रहा है, अब इसमें देखते हैं ये लाइट आती है या नहीं आती है। आई थिंक सो बड़ी है, बड़ी आ गई यार, पर कोई बात नहीं, इसको हम लगा देंगे जुगाड़ से यार कुछ ना कुछ करके, क्योंकि इसको ना इसको हम इसके टॉप पे लगा देंगे, लाइक इसके ढक्कन में लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और इसका थ्रो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि लाइट बड़ी है, तो इसका जो भी लाइट होगा वो उसका काफ़ी पावरफुल होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको सेटअप करते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे इसका थ्रो आता है और इसके टॉप को हम लेके आते हैं। इसका टॉप जो है वो है ये रहा, जो मेरे बैग के नीचे पड़ा हुआ है, तो इसके टॉप को हम लेके आते हैं। तो ये टॉप है इसका, कुछ ऐसे इस प्रकार ये लगता है, तो इस प्रकार ये लग चुका है। बाकी आगे हम लाइट लगाते हैं इसमें ऊपर की तरफ, इस तरफ कुछ करके ऐसे, और बाकी मैं आपको सेट करने के बाद दिखाता हूँ। मैंने सोचा लाइट लगाने से पहले आपको इसको एक बार थ्रो चेक करवा दूँ कि इसका एक्चुअल में थ्रो कैसा है। तो देखिएगा, इस हल्का सा पिंकिश टोन है और काफ़ी अच्छी लगने वाली इसमें मछली, कसम से कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें हल्का सा पिंक और ब्लू टोन है, और ये एकदम ही परफेक्ट लाइट बैठ रही है हमारे एक्वास्केप के सूट हो रही है एकदम, क्योंकि इसकी भी थीम कुछ ऐसी है कलरफुल सी, तो ये आरजीबी लाइट जो है वो काफ़ी ही अच्छा रोल प्ले कर रही है। और बस एक प्रॉब्लम हो गई कि ये थोड़ी सी बड़ी आ गई है, तो अब इसको जुगाड़ से हमें लगाना पड़ेगा। तो जुगाड़ जो होता है वो देखते हैं इसमें कैसा जुगाड़ होता है, जुगाड़ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बाकी क्वालिटी तो आपको पता लगी गई होगी लाइट की। तो गाइस, लाइट सेट हो चुकी है हमारी। ठीक है, तो उसका जो मैं इस पर मैंने डिसाइड करा है कि टॉप इसका नहीं लगेगा, तो खाली लाइट हमारी ऐसी रहेगी लाइक जैसे हमारे प्लांटेड टैंक में देखी होगी आपने कैसे होती है ऊपर की तरफ। तो ये जो क्लिप है ये मैंने इधर लगा दी है, एक क्लिप इधर लग जाएगी तो ये ऐसे इसको होल्ड कर लेगी, तो ये कहीं नहीं जाएगी लाइट। ठीक है, तो समझ गए होगे आप, और लाइट सेट हो चुकी है, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक क्लिप लग चुकी है, एक क्लिप उधर लग जाएगी तो प्रॉपर ये सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आगे हम इसमें वाटर फिल करते हैं और उसके बाद लगाते हैं ये पंप, एयर पंप के बाद हम इसमें फ़िश ऐड करेंगे। तो फ़िश कौन सी लाया हूँ मैं वो दिखाने वाला हूँ जल्दी ही, इसमें पहले जल्दी से वाटर फिल कर लेते हैं एक बार। गाइस, हो चुका है ये प्रॉपर सेट, लाइट हमने लगा दी है, एयर पंप हमने लगा दिया है, और अभी ये है कुछ इसका व्यू, तो आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया लग रहा है ये। बस अब इसमें वाटर फिल करने की बारी है, उसको फिल करने के बाद हम चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। वाटर फिल होना हो गया है चालू इसमें, तो आप देख ही सकते हैं पानी भर जाएगा कुछ ही देर में, क्योंकि मैंने इसको फिल करने के लिए छोड़ दिया है, अभी आराम से ये फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको क्या इसका व्यू है एक्चुअल में। तो गाइस, हमारा जो सेटअप हो चुका है पूरा रेडी हो चुका है। इसमें जो है हमने रिडॉल यूज़ करा है, सारी जो भी एंटी इचिंग और जो भी बैक्टीरिया वाली जो भी एंटी क्लोरीन वाली दवाइयाँ होती है वो मैंने इसमें डाल दी है, और अब मैं इसे छोड़ दूंगा कम से कम थोड़े टाइम के लिए, जब तक इसका पानी क्लियर नहीं हो जाता, फ़िल्टर मैं ऑन ही छोड़ दूंगा। और इससे क्या होगा कि हमारा जो ये एक्वेरियम है वो भी हमारा साइकिल हो जाएगा और वाटर भी हमारा साइकिल हो जाएगा। ठीक है, इससे वाटर पूरा क्लीन हो जाएगा क्योंकि हमारा जो पंप है वो चल रहा है, कंटिन्यूसली चलेगा, और पानी पूरा साइकिल हो जाएगा फ़िल्टर के अंदर से, तो पूरा पानी भी क्लियर हो जाएगा और रिडॉल भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एकदम ओके हो जाएगा ये। तो
हम उसके बाद ही इसमें फ़िश को ऐड करेंगे। इसको अभी हम साइकिल होने के लिए छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने अभी इन्हें फूड दिया, तो ये कितने अच्छे तरीके से फीड ले रहे हैं। तो अभी इनका स्ट्रेस फ्री हो गई है, ठीक है ऑलमोस्ट, और काफ़ी अच्छा अभी ये स्विम कर रहे हैं हर जगह पे। तो अभी पूरा का पूरा जो भी ये डरी हुई थी वो फाइनली इनका निकल गया है और मस्त एकदम इधर से उधर स्विम कर रही है और ये घूम रही है बड़े अच्छे तरीके से। और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये फिश टैंक, हमारा सिकलेट फिश टैंक। और ये देखिए हमारा पैरेट, ये हमारा पोलर पैरेट। हम जल्दी से इसकी फ़ीमेल भी ऐड करेंगे, फ़ीमेल अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैं नहीं ला पाया, बट हम जल्दी ही फ़ीमेल ऐड करेंगे इसकी। और आगे हमारा अगर सिकलेट टैंक में अगर हमें सिकलेट कम लगी तो हम और भी सिकलेट ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका मैं अपडेट दे दूँगा बाद में जब ये पूरा एक सेट हो जाएगा प्रॉपर। बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी टैंक्स रिलेटेड और फिश रिलेटेड कंटेंट मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।